हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक हाई वोल्टेज डायोड, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, इसके अलावा आप देख पाएंगे ये हाई वोल्टेज का कैपेसिटर है जो कि 2200 वोल्ट एसी का कैपेसिटर है, तो हाई वोल्टेज कैपेसिटर हो गया। इसके अलावा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हाई वोल्टेज का माइक्रोवेव का ट्रांसफार्मर है। साथ ही आप यहाँ पर देख पाएंगे माइक्रोवेव ओवन में लगने वाले मैग्नेट्रॉन, इन सभी चीज़ों को टेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं टेस्टिंग का जो सही प्रोसेस है वो आपको बताऊंगा, और जब आप टेस्टिंग का प्रोसेस जो है वो जान जाएंगे तो निश्चित ही इनको आप टेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जो हमारे पास हाई वोल्टेज डायोड है इस पर क्या मेंशन है। आप देख पाएंगे CL04-12, यानी इस पर जो मेंशन है उसके हिसाब से अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो इसकी डाटा शीट जो है वो आपको मिलेगी। वहाँ पे आपको दिखाई देगा इसका जो वोल्टेज रेटिंग है और जो करंट रेटिंग है। तो करंट रेटिंग जो है इसकी 450 मिली एम्पियर है, और साथ ही इसकी वोल्टेज रेटिंग जो है वो 12 किलो वोल्ट। तो यहाँ पे इसकी रेटिंग हमें पता चल गई, लेकिन इसको हम साधारण मल्टीमीटर से टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो आप जब जान जाएंगे तो इसको आसानी से टेस्ट कर पाएंगे, तो इसको भी हम टेस्ट करेंगे। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे ये हमारा हाई वोल्टेज कैपेसिटर है, इसको कैसे टेस्ट करना है। यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी आप देख पाएंगे, इसकी कैपेसिटेंस है 1.05 माइक्रो फैरड, तो यहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस हमको मेजर करनी है। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि हाई वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर है हमारा जो कि माइक्रोवेव में लगता है, इसमें भी तीन बाइंडिंग होती हैं। इसमें तीन बाइंडिंग कौन कौन सी होती हैं? एक तो हमारी प्राइमरी बाइंडिंग होती है जिसमें 220 वोल्ट जो है वो इनपुट होता है, 220 या 230 या 240 कह लें तो वो हमारा इनपुट होता है, वो हमारी प्राइमरी बाइंडिंग है। इसके अलावा सेकेंडरी बाइंडिंग इसमें दो होती हैं। पहली बाइंडिंग जो होती है वो 5 वोल्ट आउटपुट करती है, और दूसरी जो बाइंडिंग है वो 1500 वोल्ट से लेके 4000 वोल्ट तक आउटपुट करती है। तो यहाँ पे दोनों ही बाइंडिंग जो है उनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो इसकी सेकेंडरी बाइंडिंग है उसमें जो 5 वोल्ट आउटपुट करती है वो मैग्नेट्रॉन के फिलामेंट पे जाती है। साथ ही इसकी हाई वोल्टेज वाली जो बाइंडिंग है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ट्रांसफार्मर के बॉडी के साथ ही शॉर्ट होता है, जबकि एंड पॉइंट जो हाई वोल्टेज जनरेट करता है फिलामेंट के ही एक पॉइंट पे जाता है। तो चलिए मैं इन सभी पार्ट्स की टेस्टिंग जो है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे हाई वोल्टेज डायोड जो है उसको टेस्ट करेंगे। तो उसको टेस्ट करने का क्या प्रोसेस है आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे उसको टेस्ट करने के लिए हमको एक इस तरह की बैटरी लेनी होगी। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये 12 वोल्ट की बैटरी है। इस तरह की यूपीएस की बैटरी आप ले सकते हैं, या यूपीएस की नहीं है आप कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी जो है उसे ले सकते हैं। अब इसको टेस्टिंग करते हैं हम, तो वैसे अगर हम इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे तो हम इसको सही से टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि पहले मैं मल्टीमीटर से इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। डायोड टेस्टिंग का मैं यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ओएल ही हमारा मल्टीमीटर दिखा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको टेस्ट करते हैं तब भी ओएल ही हमें मल्टीमीटर दिखा रहा है, यानी मल्टीमीटर से इसको हम डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डीसी वोल्टेज सेक्शन में सिलेक्टर स्विच लगा लेंगे। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बैटरी जो है उसके वोल्टेज टेस्ट करके दिखाता हूँ। आप बैटरी के वोल्टेज टेस्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 12.59 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस हाई वोल्टेज डायोड को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मल्टीमीटर से हम इसको टेस्ट करते तो ये अगर शॉर्ट होता तो हमें रेजिस्टेंस जो है वो दिखा देता, 0-0 दिखा देता या कुछ रेजिस्टेंस दिखा देता, तो शॉर्टिंग तो हमें पता चल जाती और ओपन जो है वो भी हम टेस्ट कर लेते। लेकिन यहाँ पे ये सही है या नहीं है वो जब इसका वोल्टेज ड्रॉप हम टेस्ट करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी जो है वो ली है, और सही प्रोसेस आपको मैं बताना चाहता था, इसलिए मैं ये पूरा जो वीडियो है ये मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक साइड पे बैटरी के टर्मिनल के साथ डायोड जो है हाई वोल्टेज डायोड जोड़ देते हैं, और इस तरीके से हम दूसरे टर्मिनल पे मल्टीमीटर की एक प्रोब रखेंगे और इस प्रोब को हम यहाँ पे टच करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो वोल्टेज आ रहा है वो 8.23 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे जो बैटरी का वोल्टेज है वो आप देख पाएंगे कि 12.59 है, और डायोड लगाने के बाद जो है वो ड्रॉप होकर 8.3 वोल्ट रह गया। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, तो ये डायोड जो है इसका वोल्टेज ड्रॉप जब आप डाटा शीट में देखेंगे तो आप उसको कंफर्म कर पाएंगे कि ये हमारा डायोड जो है ये सही है या खराब है। ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है तब भी ये खराब होता है, और कम वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है तब भी ये खराब होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो है वो आप डाटा शीट को देख के ही जो है इसका अनुमान लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैं जब इसको इस तरीके से टेस्ट करता हूँ तो 8.3 वोल्ट जो है इस बैटरी का वोल्टेज जो है ये दिखाता है, चूंकि वोल्टेज ड्रॉप करता है। अपोजिट डायरेक्शन में जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे मल्टीमीटर जो है ये मिली वोल्ट में भी हमारी वैल्यू दिखाता है, तो मिली वोल्ट में वैल्यू दिखाता है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू जो है वो 26 मिली वोल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 26 मिली वोल्ट जो है ये वैल्यू दिखा रहा है। नॉर्मल जो मल्टीमीटर होते हैं जो कि मिली वोल्ट में वैल्यू नहीं दिखाते हैं, वहाँ पे आपको हो सकता है 0-0 वोल्ट ही देखने को मिले। तो यहाँ पे अगर ये मिली वोल्ट 26 मिली वोल्ट से बहुत ज़्यादा, यानी जैसे 200 या 300 मिली वोल्ट दिखाता तो ये जो हमारा डायोड है ये तब भी खराब होता, तो ऐसी कंडीशन में हमें इसे रिप्लेस करना होता है। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज डायोड जो है इसकी टेस्टिंग आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे
इस कैपेसिटर को टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये हाई वोल्टेज कैपेसिटर है और इसकी केवल हम कैपेसिटेंस और इसकी सॉल्टिंग टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में लगा लेना है। आप देख पाएंगे मैं इस तरीके से कंटिन्यूटी में लगा लेता हूँ मल्टीमीटर। ये कंटिन्यूटी यानी बीप मोड में लगा है और इसको हम इस तरीके से टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। तो ये OL दिखा रहा है यानी किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है और ना ही मल्टीमीटर हमारा वीप कर रहा है। यहाँ पे हम बॉडी के साथ में भी इसको टेस्ट करते हैं तो किसी तरह का रेजिस्टेंस और वीप नहीं दिखा रहा है। दोनों साइड के टर्मिनल को आपको टेस्ट करना है, ये आपको ध्यान देना है। हम दोनों साइड के टर्मिनल को टेस्ट करते हैं और कोई वीप नहीं दे रहा है, ना ही कोई रेजिस्टेंस में वैल्यू दिखा रहा है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे सॉल्टिंग जो है वो तो टेस्ट कर ली, अब हम क्या करेंगे इसकी कैपेसिटेंस टेस्ट करेंगे। तो कैपेसिटेंस टेस्ट करने के लिए आपको मल्टीमीटर जो है वो कैपेसिटर टेस्टिंग वाला मल्टीमीटर चाहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमारा कैपेसिटर को टेस्ट करने वाला ही मल्टीमीटर है और इस तरह का आप मल्टीमीटर जो है ये यूज़ कर सकते हैं या आप इस तरह का LCR मीटर जो है उसे परचेस कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, इससे भी आप हाई वोल्टेज डायोड जो है उसे टेस्ट कर सकते हैं, कैपेसिटर भी इससे टेस्ट किया जा सकता है। तो चलिए मैं इसकी कैपेसिटी जो है उसको टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमें फंक्शन जो है इसमें कैपेसिटर टेस्ट करने वाला लगाना होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने कैपेसिटर टेस्ट करने वाला फंक्शन जो है इसमें सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद अब हम इस कैपेसिटर को टेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे 0.05 माइक्रोफेरेड के लगभग ये हमारी वैल्यू जो है मल्टीमीटर में शो हो रही है। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर जो है सही है। अगर वैल्यू कम शो होती है तब भी हमें कैपेसिटर जो है वो रिप्लेस करना होता है। तो इस तरीके से आपने कैपेसिटर की टेस्टिंग भी देख ली है। अब हम यहाँ पे मैग्नेट्रॉन की टेस्टिंग देखेंगे। तो यहाँ पे मैग्नेट्रॉन को टेस्टिंग करने के लिए हमें सबसे पहले बॉडी के साथ शॉर्ट है या नहीं है इस चीज़ को टेस्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन जो है वो डिस्टेंस में सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस में सेलेक्ट कर लिया है और अब हम बॉडी के साथ जो है इसकी सॉल्टिंग टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे OL लिखा हुआ है। दोनों साइड के टर्मिनल के साथ में ही हमें टेस्टिंग करनी होती है, बॉडी सॉल्ट की टेस्टिंग दोनों साइड के टर्मिनल के साथ ही हमें करनी होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं OL ही दिखाई दे रहा है हमें, यानी ये बॉडी सॉल्ट नहीं है। दूसरी इसकी टेस्टिंग क्या होती है कि यहाँ पे इसका फिलामेंट हमें टेस्ट करना होता है। तो ये दोनों टर्मिनल जो है ये इसके फिलामेंट पे जाते हैं तो हम फिलामेंट की टेस्टिंग करेंगे। तो मैं इसको इस तरीके से रख लेता हूँ और यहाँ पे हम इसके फिलामेंट की टेस्टिंग जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसका जो फिलामेंट है वो 00 ओम दिखा रहा है, यानी इसका फिलामेंट जो है बिल्कुल भी रेजिस्टेंस जो है वो नहीं दिखाएगा, 00 ही दिखाएगा। तो यहाँ पे इसका फिलामेंट जो है वो भी सही है और इस तरीके से केवल आप यही टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये माइक्रोवेव जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये टेस्टिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी टेस्टिंग करने के बाद भी अगर आपका मैग्नेट्रॉन जो है वो वर्क नहीं कर रहा है तो आपको मैग्नेट्रॉन जो है उसको रिप्लेस करना होता है। तो यहाँ पे हमने मैग्नेट्रॉन की भी टेस्टिंग देख ली है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो है इसकी टेस्टिंग देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर जो है उसको दिखा देता हूँ, अच्छे से आप देख पाएंगे। यहाँ पे इस तरह का ये ट्रांसफार्मर है और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो है, प्राइमरी वाइंडिंग आप यहाँ पे देख पाएंगे मोटे वायर्स हैं और ये इसके प्राइमरी वाइंडिंग के स्टार्टिंग और एंड के पॉइंट हैं। इसके अलावा सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ये वाइंडिंग है, आप देख पाएंगे एक ये वायर है इसका स्टार्टिंग और यहाँ पे एंड का वायर है। इसके अलावा सेकेंडरी वाइंडिंग में ही हाई वोल्टेज जनरेट करने वाली ये वाइंडिंग है जिसमें बहुत पतला तार जो है ये लिया गया है और ये हाई वोल्टेज जनरेट करती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्राइमरी साइड की बाइंडिंग जो है इस बाइंडिंग को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। आप देख पाएंगे मल्टीमीटर हमारा रेजिस्टेंस टेस्टिंग मोड में ही लगा है और यहाँ पे मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो आप जो वैल्यू है वो देख पाएंगे 1.7 ओम आ रही है। तो इस तरीके से हमने प्राइमरी बाइंडिंग जो है उसे टेस्ट कर लिया। साथ ही आपको एक और चीज़ टेस्ट करनी है, यहाँ पे सॉल्टिंग टेस्ट करनी है, प्राइमरी बाइंडिंग जो है वो हमारी बॉडी के साथ सॉल्ट है या नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको टेस्ट कर लेना है इस तरीके से, ये सॉल्टिंग नहीं दिखा रहा। और इसी तरीके से आपको दूसरे पॉइंट के साथ भी बॉडी सॉल्ट टेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे बिल्कुल भी सॉल्टिंग नहीं दिखा रहा है, तो प्राइमरी बाइंडिंग हमारी सही है। अब हमें फिलामेंट के लिए जो 5 वोल्ट प्रोवाइड होती है ये सेकेंडरी बाइंडिंग, इसको टेस्ट करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम एक साइड लगा लेंगे और दूसरी साइड यहाँ पे हम इस तरीके से लगा लेंगे और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है 00 दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमने सेकेंडरी बाइंडिंग में जो 5 वोल्ट आउटपुट करती है फिलामेंट के लिए उसे भी टेस्ट कर लिया है। अब सेकेंडरी बाइंडिंग में ही हाई वोल्टेज जनरेट करने वाली बाइंडिंग जो है उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो हमारा इस ट्रांसफार्मर के साथ ही शॉर्ट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये पतला सा वायर है जो कि शॉर्ट है और ये हाई वोल्टेज जनरेट करने वाला पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट से यानी बॉडी और इस पॉइंट के साथ में हम टेस्ट करेंगे रेजिस्टेंस, जिससे कि हमें सेकेंडरी बाइंडिंग जो है वो पता चल जाएगी कितने ओम्स दिखा रही है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका जो रेजिस्टेंस है वो 102 या 103 ओम्स दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमने सेकेंडरी बाइंडिंग जो है इसे टेस्ट कर लिया। साथ ही आप देखेंगे कि इसमें एक ये प्लास्टिक का कवर है, इसके अंदर एक फ्यूज़ होता है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह भी हमें वैल्यू दिखाता है, चूँकि इसमें जो फ्यूज़ यूज़ किया गया है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे इस फ्यूज़ को भी हम टेस्ट करते हैं, ये हाई वोल्टेज वाली जो बाइंडिंग है उसी से ये फ्यूज़ जो है कनेक्ट है जो कि हमारे कैपेसिटर में जाता है। तो यहाँ पे इस फ्यूज़ की टेस्टिंग जो है वो भी हम करेंगे। सबसे पहले हम ये फ्यूज़ जो है इसे देख लेते हैं किस तरीके का है। तो यहाँ पे मैं इस कैप को ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर का जो फ्यूज़ है मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ किस तरीके का है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरह का इसमें एक फ्यूज़ जो है ये लगा हुआ है
और इसका रेजिस्टेंस होता है, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि इसका रेजिस्टेंस जो है कितना है। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जो है लगभग 1 ओम के करीब होता है। तो यहाँ पे इस फ्यूज़ को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 0.8 ओम यहाँ पे इसकी वैल्यू दिखा रहा है। तो ये जो फ्यूज़ है ये सही है। इस तरीके से हम इसके फ्यूज़ को भी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि माइक्रोवेव ओवन के जो हाई वोल्टेज डायोड होते हैं, जो कैपेसिटर होते हैं, जो मैग्नेट्रॉन होते हैं, जो हाई वोल्टेज जनरेट करने वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, उनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।